खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं वंशना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सरकारी अस्पतालों में भारी गंदगी से संक्रमण का बना खतरा, सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते हुए बदतर हालात, वैकल्पिक इंतजाम का बना अभाव। अलवर में नगर निगम बनने के बाद बजट होगा चार गुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया ऐलान। 25 ऑटो टिपर के लोकार्पण सहित 37 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने से भड़के छात्र नेता, वहीं ज्ञानदेव आहूजा ने कहा NSUI की हार के डर से सरकार ने उठाया कदम। और पुलिस की 78 टीमों ने छापेमारी कर 342 वांछित अपराधी पकड़े, हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर सहित भगोड़े अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में मरीजों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। यहां सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और अस्पताल प्रशासन सुस्ती बरत रहा है। शहर के सामान्य चिकित्सालय में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यहाँ जिला मुख्यालय के तीनों सरकारी अस्पतालों में गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में मरीजों में संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अस्पताल में सर्जिकल उपकरण रखे जाने के स्थान पर भी कचरे का ढेर लगा हुआ है, इसमें बायो वेस्ट भी शामिल है। ऐसे हालातों पर मरीजों ने खासी नाराजगी जताई है। गंदगी हो रही है कल से, कोई सफाई वाला नहीं आया। क्या लगता है इससे क्या खतरा है? खतरा ये है कि मरीजों को परेशानी बहुत ही रही है, इन्फेक्शन वगैरह होगा और भी बीमारियाँ फैलती हैं, जब भी गंदगी रहेगी तो कोई चद्दर वगैरह बदले गए सुबह से? अब बदले हुए शायद, कल तो बदला मिला था, कल आए थे हम लोग। हाँ, अब जब कोई है नहीं तो बदले। अब आपके बेड के बगल में गंदगी है, क्या कहना चाहिए? कहने के कहेंगे मरीज बीमारी होंगी इससे ज़्यादा, ठीक कहाँ होंगे। क्या करना चाहिए अस्पताल प्रशासन को? प्रशासन को भी उनकी मांगे सोचना चाहिए। मजदूर है वो बेचारे, उनकी कुछ मजदूर है वो, उनके पास कौन से हुए हैं, उनकी मांगों को सोचा जाए उनके बारे में। ठीक है, सफाई हो। हालात तो सर आपको सामने दिखाई दे रहा है, कितनी गंदगी बढ़ती जा रही है। अब वही है, इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, सारे मरीजों को ज़्यादा परेशानी में, टॉयलेटों में भी दिक्कत आती है जा रही है। इसमें ऑपरेशन के भी मरीज हैं तो इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है, बढ़ रहेगा, बढ़ेगा इन्फेक्शन का। तो वहाँ की क्या स्थिति है शौचालय की तरफ? शौचालय को वही पर कीचड़ हुआ पड़ा रहता है, पानी फैला रहता है, गंदगी फैली है, सब्जी वगैरह बदबू आती है, बदबू आती है। यहाँ पे सफाई की, सफाई की तो बहुत बेकार स्थिति हो रही है। कब से बढ़ती है यहाँ? हमको तो होगा दस दिन हो गया। दस, तो दो दिन से सफाई नहीं हो रही है। हाँ, दो दिन से। कोई कर्मचारी नहीं है सफाई वाला? नहीं, कोई कर्मचारी, उनकी हड़ताल चल रही है इसलिए कोई नहीं आया। उधर सफाई कर्मियों के अनुसार दो दिन से वे हड़ताल पर हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करने पर वे ठेकेदार से बात करने के लिए कहते हैं ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अभी वार्ड में गंदगी का माहौल है तो आप क्या काम करेंगे? ना, काम नहीं करेंगे। क्या कारण है? काम ये है कि पेमेंट पिछले महीने भी 30 दिन काम करते हुए 26 दिन का पेमेंट दिया गया था। हाँ। और इस महीने भी कल पूरे दिन काम नहीं किया, नहीं किया पूरे दिन, आज भी नहीं करेंगे। आज भी नहीं करोगे? समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई आया था क्या आपके पास, PMO वगैरह ठेकेदार ने बुलाया था? उन्होंने कहा मेरे कोई अप्लॉय नहीं हो, तो PMO भी ये बता दे हमें हम किसके अप्लॉय हैं। अच्छा, PMO ने मना कर देगा आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, ठेकेदार के हो? हाँ, ठेकेदार के हो। तो अभी बंद रहेगा काम? हाँ, बंद रहेगा। गौरतलब है कि इन तीनों अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजनों की मौजूदगी रहती है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ना तो हड़ताल समाप्त करवा पा रहा है और ना ही वैकल्पिक इंतजाम किया जा रहा है। शहर के 65 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए 25 नए ऑटो टिपर आ गए हैं। रविवार को पुराना सूचना केंद्र में इनका लोकार्पण हुआ, साथ ही 37 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के बाद अब बजट भी चार गुना हो जाएगा। इसके अलावा जल्द ही नगर निगम का बड़ा भवन बनाने के प्रयास होंगे और इसके लिए पुराना सूचना केंद्र संभावित जगह हो सकती है।
थाना सूचना केंद्र में आयोजित समारोह में यह जानकारी दी। इस मौके पर 25 नए ऑटो टिपर का लोकार्पण हुआ, साथ ही 37 करोड़ की लागत से अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। देखिए, एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी अलवर के अंदर, पिछले 20 साल से जब से मैं यहाँ से विधायक था, कि अलवर नगर निगम बनना चाहिए, क्योंकि अलवर की जो जनसंख्या बढ़ चुकी थी, भौगोलिक स्थिति से हम NCR के अंदर दिल्ली के नज़दीक थे। वो मांग इनकी पूरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनने बजट घोषणा करी और बजट घोषणा के कुछ ही महीनों बाद ये नगर निगम बन गया है। नगर निगम बनने के बाद इसके अंदर बहुत सारे नई योजनाएँ आएंगी, बहुत सारे जो इनका बजट है वो एक तरह से दुगना नहीं चौगना होने वाला है। यहाँ नई कर्मचारियों की भर्ती होगी, सफाई की व्यवस्था होगी, एक तरह से अलवर को भी जो बड़े बड़े शहर हैं पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, उसके अंदर इनको गिना जाए। मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 185 करोड़ की सेवरेज लाइन की जो योजना है उसके टेंडर हो चुके हैं, जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब मैं केंद्रीय मंत्री होता था, यहाँ जो लगभग 300 और 400 करोड़ की जो अलग सीवरेज लाइन को आगे ले जाने के लिए, रामगढ़ रोड पर ले जाने के लिए कि वो थी, वो योजना भी सैंक्शन हुई थी और वो बनके तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम एक सपना देखना चाहते हैं कि अलवर के अंदर एलिवेटेड रोड बने, अलवर के अंदर टूरिज्म बढ़े और एक तरह से जिस तरह से प्रगति मैदान है, जवाहर के अंदर कला केंद्र, इस तरह का एक हमारे पास स्थान होना चाहिए जहाँ परफॉर्मेंस के लिए भी, कलाकारों के लिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं इनके एग्जीबिशन के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण हार्ट के तर्ज पर एक बहुत बड़ा एक हम प्लान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के अंदर उसके भाई सेंक्शन कर उसको चालू हो जाए। लेकिन जहाँ तक रोशनी की व्यवस्था की, मुझे बताया गया है कि उसके सारे काम अब टेंडर और ये सब चीज़ें हो गई है और बहुत जल्दी उसके ऊपर शुरुआत हो जाएगी। अगले हफ्ते तक आप मेरे से बाइट लेने आएंगे तो ये मेरे से सवाल आप नहीं पूछेंगे, जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रेटिंग की बात है, आप देखिए आज लगभग 25 टिपर की आज शुरुआत हुई है, इसके साथ नई मशीनें आने वाली, आधुनिक मशीन आएंगी जो यहाँ सफाई करेंगी, तो एक अभी शुरुआत हुई है। अभी नगर निगम की हम चाहते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग बने। मेरा सुझाव ये रहेगा, ये पुराना सूचना केंद्र है, इतनी सुंदर जगह है, यहाँ काफ़ी हरियाली है, पार्किंग की व्यवस्था है, अगर इसको भी वो कंसिडर करें तो अच्छा स्थान हो सकता है, बाकी उनको तय करना। इस मौके पर मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब अलवर की गिनती भी बड़े शहरों में होने लगेगी। वहीं शहर में 185 करोड़ की सीवरेज लाइन के टेंडर हो चुके हैं। जितेंद्र सिंह के अनुसार उनके मंत्री रहने के दौरान करीब 350 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन डाली गई। भविष्य में एलिवेटेड रोड बनाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित जवाहर कला केंद्र की तरह स्थल विकसित करने की योजना है। वहीं जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से राजनीतिक स्तर नीचे गिर रहा है, सिर्फ हम अलवर की बात नहीं करें, प्रदेश की बात है, देश की बात है, कि जिस तरह से हम आज जिस तरह से जनता हमें वोट देके जिताती है और जो मूल कार्य के लिए जो जिताती है वो मूल कार्य तो हम भूल जाते हैं और हम अपनी जो कोई विचारधारा है, हम अपनी जो कोई अलग सोच है उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, जनता परेशान होती है। आपने देखा कि आज का जो कार्यक्रम था इसमें सभी 65 जो पार्षद हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे निर्दलीय हो, अन्य पार्टी के लोग हों, उनको बराबर रूप से कार्य हुआ है। मैंने हरदम प्रयास किया है कि राजनीति, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम उसके बारे में अलग बाइट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यक्रम करते हैं, धरना करते हैं, ये सारी बात हम करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आ जाती है तो उसके अंदर कोई बात, विकास की बात आती है तो कोई उसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा हरदम मानना है। हमारे माननीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिकांश पार्षद यहाँ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद मौजूद हैं, जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनके सबों के वार्डों में काम हो रहा है, उन सबों को यहाँ आज खुशी के अवसर है उनके लिए, उनके वार्ड में जो उनकी मांग उनने उठाई थी, जो उनने प्रयास किया है, ये सारा जो काम हुआ है ये माननीय पार्षदों के प्रयास का ही नतीजा है। मेयर अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, ये तो देखो जनता बताएगी, पार्षद बताएंगे कौन कैसा काम कर रहा है। अभी तो देखिए, अभी मेरे ख्याल से चंद दिन हुए हैं, चंद हफ्ते हुए हैं कि यहाँ कार्य शुरू हुआ है नगर निगम का। यहाँ बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत है, नगर निगम को बनने में ही कम से कम 1 और 1.5 साल लगेगा, जो पूर्णतः हम मानते हैं, जो हमारी सोच है नगर निगम की, उसको डेवलप होने में भी समय लगेगा।
उधर इस दौरान अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर नगर निगम के महापौर की कुर्सी को लेकर कहा कि हमें कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कुछ कांग्रेस नेता पार्टी के पार्षदों की अधिकता के बावजूद कुर्सी पर भाजपाई महापौर बैठे होने को लेकर सवाल उठाते हैं। इस पर मंत्री जूली ने कहा कि हर आदमी अपनी इच्छाएं पाल लेता है, लेकिन हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि शहर में पर्याप्त संख्या में बीजेपी के पार्षद हैं और शहर में बीजेपी के विधायक भी हैं, साथ ही भाजपा से ही सांसद है। इसके बावजूद विधायक और सांसद कोटे से शहर को क्या मिला, इसे लेकर उनसे सवाल नहीं किया जाता। मंत्री जूली का कहना था कि ईस्टर्न कैनाल सहित अन्य बड़ी योजनाएं स्वीकृत करने में प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका यह भी कहना था कि शहर विधायक की तरह केवल पानी की राह से जलकुंभी हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पानी लाने के लिए बड़ी योजना लानी होगी। सूख रहे हैं, उनको रिचार्ज करने के बारे में किसी ने सोचा है? उसको रिचार्ज करने के बारे में किसी ने सोचा है क्या? अभी पर शहर की नहीं, शहर की जनता को, यहाँ सभापति बीजेपी के हैं, यहाँ विधायक बीजेपी का है, यहाँ सांसद बीजेपी का है, मंत्री तो कर ही रहा है। मंत्री ने तभी 6 करोड़ रुपए लगा के हम तो जय संबंध में पानी लेके आए। अभी जो देखिए कोर्ट की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से है उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सभापति कौन बैठ रहे, जो नियम में है वो बैठ जाएगा। इसमें अपन ये कहें कि इसको बैठाएं उसको बैठाएं, देखिए हर आदमी अपनी कुछ इच्छाएं पाल लेता है जिसकी वजह से फिर उसको जो हकीकत है वो दिखाई नहीं देती। मैं ये कहना चाहूँगा हमारा राज है, लेकिन शहर के अंदर जनप्रतिनिधि अगर पार्षदों की संख्या भी देखेंगे तो 2/3 से ज़्यादा बीजेपी के पार्षद हैं। वो लोग कर क्या रहे हैं? ये जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये बीजेपी के लोगों से पूछो, सांसद जी से पूछो कि ERCP क्यों नहीं आ रही, विधायक जी से पूछो कि उन्होंने MLA कोटे से कितने वाटर हार्वेस्टिंग के काम कराए हैं, कितने लोगों को मोटिवेट किया है, कितनी बिल्डिंगों का उन्होंने निरीक्षण किया है। आज शहर के अंदर इतने कुएं हैं, बावड़ी हैं, जिनको अगर हम वाटर रिचार्ज करने की सोचें तो सरकार सारे काम, सरकार देखिए फिर सरकार के ऑफिसों में वाटर, फिर ये इस्तीफा दे के घर बैठ जाए, ये दोनों लोग इस्तीफा दे के घर बैठ जाए, सरकार करा दे। जितेंद्र सिंह जी हैं और मंत्री आप हैं, नहीं हम करा रहे हैं आपको ये चीज, देखो ये कोई बात नहीं, जनता को पानी मिले, सुनिए ने कहा कि राजनीति नहीं करे, नहीं करे मुद्दों पर, इसलिए दूसरे कर रहे हैं, इसलिए नहीं ऐसे नहीं। आप बात सुनिए, जो एक मंत्री का जो कैडर है, राजस्थान सरकार का जो कैडर है, वही तो हम लोग करेंगे। पार्षद का काम मंत्री थोड़ी करेगा, जो यहाँ का लोकल विधायक है उसका काम मंत्री थोड़ी करेगा। हम बड़ी योजनाएं सैंक्शन करा रहे हैं, ERCP राजस्थान सरकार कर रही है, नंगलाचारण के अंदर हम 50 बीघा जमीन हमने अलॉट कर दी है, नवनेरा बांध का काम आधे से अधिक पूरा हमने कर दिया है, 23,000 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने दे दिया है जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है, 25 लाख रुपये मैनेर भंवर साहब ने हमारे कोटे से दिए हैं, 4.5 करोड़ रुपये एक बार 12 वीयर के लिए दिए हैं, 2.5 करोड़ रुपये अब हमने 12 वीयर के लिए दिए। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, देखिए सारी चीज हम सरकार पे डाल दें। उधर कार्यक्रम में महापौर घनश्याम गुर्जर और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि आयुक्त मनीष फौजदार सहित अन्य अधिकारियों और अनेक पार्षदों की मौजूदगी रही। और वहीं अलवर में वार्ड वार कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर्स की संख्या बढ़ गई है, इससे सफाई व्यवस्था में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि शहर विधायक संजय शर्मा ने भी राजस्थान विधानसभा में नियम 295 के अंतर्गत यह मांग उठाई थी, वहीं अब अलवर नगर निगम को नए ऑटो टिपर मिल गए हैं। माननीय सभापति महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में परिसीमन के बाद 50 वार्ड से बढ़कर के 65 वार्ड हो गए हैं और ऑटो टिपर जिससे घर घर कचरा उठाने का संग्रहण कार्य किया जाता है, मात्र 50 ऑटो टिपर हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि ऑटो टिपरों की संख्या बढ़ा करके कम से कम 70 ऑटो टिपर, 20 ऑटो टिपर और नगर परिषद को उपलब्ध कराए जाए, जिससे घर घर कचरा संग्रहण करने का जो काम है उसमें सुविधा मिले और आमजन को फायदा मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने को लेकर छात्र नेताओं ने रोष जताया है। मत्स्य यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति संयोजक विष्णु चावड़ा सहित छात्र नेता सुदीप जीगवाल एवं अन्य विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार हार के डर से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रही है, जबकि यह चुनाव होना आवश्यक है क्योंकि छात्र राजनीति के जरिए ही युवा मुख्य राजनीति की ओर अग्रसर होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव को बंद करने की, रद्द करने की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब छात्रों का इस मामले में क्या कहना है, उसके साथ ही हमारे साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी के संयोजक बने हुए हैं जो हमारे साथ मौजूद है विष्णु चावड़ा, पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे।
ये जो राज्य सरकार ने छात्र संघ नहीं कराने का जो स्थगन का आदेश जारी किया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। लाखों मतदाताओं को कॉलेज राजनीति से अपने मतदान से वंचित रखा गया है। ऐसे में छात्रों में भारी आक्रोश है इस चीज़ का, और वैसे ही यहाँ बाबूशाही अफसरशाही इतनी हावी है कि यहाँ छात्रों की युवाओं की समस्याओं का निराकरण तो वैसे ही नहीं किया जाता। कोरोना में चुनाव नहीं हुए तो किस तरह के यहाँ धांधलियाँ सामने आई, मैंने पिछले टाइम उजागर भी की थी किस तरीके इन्होंने यहाँ धंधे बना रखे थे विश्वविद्यालय में। तो अफसरशाही बाबूशाही को कंट्रोल रखने के लिए जो लीडरशिप के चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, सरकार को ये जो इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। क्या मानना है कि जिस तरह गहलोत ने कहा कि मैंने ही पहले शुरू किए थे, मैं ही बंद कर रहा हूँ, तो क्या मानते हैं उनका कहना है कि ज़्यादा खर्चा होता है? वो लिंग दोहो कमेटी की पालना अच्छे से कराई जानी चाहिए। सरकार इस चीज़ पे फोकस करे कि जो छात्र दारू ये इन चीज़ों का अधिक प्रयोग कर रहा है, ऐसे के नामांकन रद्द किए जाएँ। जबकि हमने तो यहाँ एक गरीब, पिछली बार एक बकरी चराने वाले का बेटा जो 5,000 में मात्र यहाँ यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो अपने सामर्थ्य से छात्रों की सेवा से जीत के निकल के आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सुदीप डीकवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव में जो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देते हैं छात्रों को, जिससे उनकी बातें शासन प्रशासन तक पहुँच सके कि राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ये भी मानना था कि भाई ये राजस्थान के जो अभी आगामी चुनाव हैं उसका ये सेमीफाइनल माना जा रहा था। हो सकता है सरकार को डर सता रहा हो, क्योंकि आज अगर हम देखें राजस्थान के 10 विश्वविद्यालयों में से 7 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ABVP के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम लगातार वहाँ पे मजबूत है, और NACY का गिरता हुआ ग्राफ देख के सरकार डरी हुई है कहीं हमारा जो सेमीफाइनल है वो खराब ना हो जाए। तो अभी क्या स्थिति मानते हैं, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, सरकार में सबसे बड़ी ये गलत फहमी है कि छात्रों का चुनाव नहीं हो। छात्रों का चुनाव होना ज़रूरी है। छात्र जो लीडरशिप है ये आगे चल के बहुत बड़ा लीडरशिप होता है, और छात्र को की ये नीम होती है, नीम मजबूत नहीं रहेगी आगे चल के लीडरशिप तैयार नहीं होगी। तो जिस तरह से साफ तौर पर ये बात निकलकर सामने आई है कि जो छात्र संघ चुनाव है उनका स्थगन गलत है, यदि कार्रवाई करनी है तो लिंग दो कमेटी पर की जाए और उन पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि छात्रों का भविष्य छात्र संगठन से जुड़ा होता है, भगवान से नहीं। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जयपुर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर शांतिपूर्ण ढंग से सद्बुद्धि व्यक्त करने के बावजूद ऐसा किया गया। आहूजा ने आरोप लगाया कि NSUI की हार के डर से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में परसों राजस्थान सरकार की और नियुक्त छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। लगभग अखबार में 5-7 आया, मैं उनसे मिल के आया हूँ। लगभग 17 छात्र घायल हुए हैं और भगदड़ मची, तो रोड जाम की तरह से हो गया। वो रोड जाम नहीं कर रहे थे, सड़क पर सर्वोदय यज्ञ कर रहे थे जेल मार्ग पर यूनिवर्सिटी के बाहर, और सद्यपति यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि राजस्थान में इस बार राजस्थान सरकार 400 सरकारी कॉलेज, 500 प्राइवेट और लगभग 40 यूनिवर्सिटीज़, इसमें चुनाव नहीं, छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दे रही। अब क्यों नहीं होने दे रही वो तो सरकार जाने, लेकिन मुख्य आरोप जो छात्र नेताओं का है, और मैं भी ये कह रहा हूँ, तो पिछली बार जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस की जो छात्र संगठन है NSUI, वो जोधपुर और बीकानेर जिलों में और यूनिवर्सिटी में हार गई। खुद केंद्र जोधपुर माननीय श्रीमान को गर्व था, अब उनको डर है कि राजस्थान में चुनाव नज़दीक है, छात्र भड़क गए और कहीं NSUI हार गई, और अखिल भारतीय विद्या परिषद जो किसी राजनीतिक पार्टी का विंग नहीं है, वो BJP के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए, वैचारिक धरातल पर, राष्ट्रवादी वैचारिक धरातल पर, राष्ट्र प्रेम धरातल पर हम लोग सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, ABVP भी, भारतीय मंत्री संघ, भारतीय किसान संगठन वगैरह वगैरह। तो सरकार को डर था कि कहीं ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ नहीं जी जाए, इसलिए चुनाव अब तक नहीं करवाए। छात्रों ने जब आंदोलन लिया और प्रदर्शन किया, सद्बुद्धि यज्ञ किया, तो कल
उस शिक्षा विभाग ने यह कहा कि इस बार चुनाव नहीं होंगे और मुख्यमंत्री जी अपनी बौखलाहट में बोल गए माननीय मुख्यमंत्री कि छात्र जरूर से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लिंग दो कमेटी कोई बनी चुनाव की वर्किंग की प्रक्रिया के बारे में, लिंग दो कमेटी का उल्लंघन है। अब कितना उल्लंघन है, क्या उल्लंघन है, यहाँ पर सबके सामने है। तो चुनाव नहीं करवाने का तय किया उस शिक्षा विभाग ने, और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जो विधायक हैं कोटपुरी से वो तय करेंगे। वो क्या तय करेंगे, तय तो आप करोगे, आप नहीं चाहोगे तो चुनाव नहीं होंगे। इसलिए अब तक चुनाव नहीं करवाए, ये सरकार की हठधर्मी है, बेशर्माई है और दयनीय स्थिति है, मैं इसको दयनीय कहूँगा, और विभत्स स्थिति है कि छात्र संघ चुनाव होता है तो छात्र पहली पीढ़ी है राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व करने का। जो कॉलेज में विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सामाजिक धार्मिक या राजनीतिक या इस तरह का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक आहूजा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्के शब्दों का प्रयोग किया है जो गलत है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और अपराध पर ध्यान देना चाहिए। कि आजकल माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत अपने खुद की कांग्रेस की सूट नहीं देख रहे हैं, खुद का लंगोट ढीला है। कभी उनके खिलाफ हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान भरत सिंह जी बोलते हैं, कभी मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी बोलते हैं, तो कभी सचिन पायलट ने भारी आंदोलन लिया और तब तक चुप नहीं हुआ जब तक और उनको डांट नहीं पड़ी। एक सोलंकी साहब विधायक है और भी कई विधायक प्रताप सिंह जी खातरेवास को, पूर्व मंत्री स्वास्थ्य श्री रघु शर्मा जी को और एक दो तीन लोगों को डांट दी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप साथ ही बिगाड़ते हैं, माने बौखड़ा रहे हैं, कांग्रेस में फूट है, फूट की लूट है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया माननीय श्री हृदय श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि बीजेपी में बगावत है और बीजेपी के नेता अब धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। जनता में पहले मोदी जी के खिलाफ गिरी है, अरे जनता में साख है तब तो तुम 400 से 40-44 पर आ गए और बीजेपी 2 से लेकर के अब 300 से ऊपर चली गई है और NDA 350। और अब मेरा दावा है कि अकेले बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें ला रही है 2024 में। अलवर पुलिस की 78 टीमों ने कई जगह छापे मारकर 342 वांछित आरोपियों को पकड़ा है। अभियान के तहत 98 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। SP आनंद शर्मा के अनुसार उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटर्स, स्थायी वारंटी भगोड़े एवं इनामी अपराधियों आदि की गिरफ्तारी की गई है। इसके लिए एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह और सुरेश कुमार खींची के निर्देशन में जिले भर में दबिश एवं तलाशी का दौर चला। DG साहब के निर्देश अनुसार क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है अभियान चलाया गया आज पूरे स्टेट में, उसके तहत अलवर जिले ने भी कार्रवाई अमल में लाई है। हमने कुल 78 टीम्स बनाई जिनमें करीब 500 पुलिसकर्मी थे और उन्होंने करीब 250 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और हमने करीब 219 जो बदमाश हैं, जो बदमाश किस्म के लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया 151 या पाबंदी की धाराओं में। करीब 98 वारंटी जो लंबे समय से वांछित चल रहे हैं अलग अलग केसेस में, उनको गिरफ्तार किया गया। 4 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अलवर जिले में कहीं ना कहीं फायरिंग की वारदात की थी, वांटेड चल रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 13 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए और 8 ऐसे बदमाश जो जघन्य अपराधों में वांटेड चल रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार कुल 342 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान की मंशा थी कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के बदमाशों की अधिक से अधिक धरपकड़ की जा सके और जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने रामगढ़ से इस बार भाजपा प्रत्याशी की निश्चित जीत का दावा किया है। पूर्व विधायक ने बताया कि उनके भतीजे जय आहूजा सहित अनेक नेता इस क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि टिकट एक को ही मिलना है लेकिन भाजपा को चुनाव जितवाने के लिए सभी एकजुट रहेंगे। उन्होंने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। आहूजा ने स्पष्ट किया कि आला कमान ने यदि उन्हें उम्मीदवार बनाया तो वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं।
टेकन चिकन उसको मिलना चाहिए जो क्रांतिकारी हो, जो मेवात में नक्कस कर सके, जो मेवात के आतंकवादी अपराधियों को पकड़ सके, पकड़वा सके, और जो यहाँ सही मायने में राष्ट्रभक्ति जगा सके। ऐसे 10 बातें मैंने बोली, तो वहाँ दो पत्रकारों का हमें गारिश करके मैंने कहा करोगे तो उसका नुकसान आपको होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिल से कहा कि यहाँ उम्मीदवार बहुत हैं। मेरा टिकट कटने के बाद और श्रीमान सुखन सिंह जाने के बाद मेरे समय तो इतना हिम्मत किसी की पड़ती नहीं थी। खटा चुनाव मुझे लगा इस बार टिकट अपने मिल जाएगा, श्रीमान सुखन सिंह मिलेगा, कैसे मिलेगा वोट नौ। लेकिन सुखन सिंह जी आने के बाद रामगढ़ में राजनीतिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक कार्यकर्ता या नेता और अभिनेता लोगों को लगा कि ज्ञानदेव जी का टिकट भी कट सकता है, तो इस बार बाढ़ आ गई है उम्मीदवार की। सबका स्वागत है, लोकतंत्र है, तो भी फार्म भर सकते हैं। एक रिटायर्ड CBI के IG साहब भी हैं, तो एक बहुत बड़े ठेकेदार टेंडर लेकर के ठेका लेते हैं, रोड पर ट्रांसपोर्ट रूट होता है, और भी बड़े अच्छे परिवार का भी लोग हैं, सुपन से पुराने उम्मीदवार भी हैं, कई लोग हैं, सबका स्वागत है। इस बार लोगों की हिम्मत ज़्यादा पड़ गई कि ज्ञानदेव जी का टिकट काट वो हमारे चल जाएगा, इसलिए वहाँ हैं। अब आपने चाहता और भतीजा था, आप बताइए, जब मैं बाकी को इंद्रजीत सिंह को नहीं रोक रहा, सुपन सिंह को नहीं रोक रहा, मैं मदराजी शर्मा आजी साहब को नहीं रोक रहा, मैं और बाकी कैंडिडेट को, तो मेरा भतीजा भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो लोकतंत्र में उसको कितना, वो बालिक है, 45 साल का है, हिंदुओं के लिए काम करता है, हिंदू रक्षा में काम करता है, मेरी लाइन पर ही, लेकिन उसने विषय बदला। पाकिस्तान से आने वाले, अफगान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को, शरणार्थियों को संरक्षण, विस्थापितों को बदलाना, उनकी नागरिकता दिलाना, आर्थिक मदद करना, नौकरियाँ लगाना, मेरे से भी बड़ा काम वो कर रहा है। वो विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय संसद संघ का जो वैचारिक धरातल पर हिंदुओं के लिए काम करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद और बजेंद्र से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए लोकतंत्र का अधिकार है, तो वो फार्म भरे, वो भी अपना दावा पेश करे। चाचा भतीजे को कैसे रोक सकता है? पार्टी ने टिकट दिया जिसको भी, उसको समर्थन हमारे सबका होगा, जो बाकी भी उम्मीदवार हैं तो वो भी समर्थन तैयार करेंगे, इसका हमारा विश्वास है। टिकट जिसको मिला, कमल का फूल हमारा निशान है, माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर ने कला महाविद्यालय पुलिया के नीचे इस छात्र के खड़े होने की सूचना दी थी। वह किसी वारदात करने की फिराक में था और लोगों को चाकू दिखाकर भयभीत कर रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ढाकपुरी विश्वेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अन्य थानों में भी विभिन्न मामले दर्ज है। गश्त के दौरान सूचना मिली मुखबिर द्वारा, बाबू सोहराम जो आर्ट्स को ले जाए, उसके पुलिया के नीचे एक बदमाश छोरा, बड़ा छोरे को घुमाकर और आगियों से पैसे लूटने की फिराक में। इस सूचना पर वहाँ पहुँचे, मेजाब तक पहुँचने पर उसको भागने पूछ करी पकड़ा, उसके बाद फिर पूछताछ करी, उसने बताया अपना नाम विश्वेंद्र, पुत्र विजय सिंह जाट, उम्र 23 साल है, कही ढाकपुरी मालाखेड़ रहने वाला है। उसे पूछा भाई कहाँ से क्यों लाया, तो उसे बताने कुछ इधर से लाया है, और वो बुला रहा कि रुपया खर्च में ख़त्म हो गए थे, इसलिए कुछ मैं सुनसान जगह देखकर भागे लूटने की कोशिश कर रहा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहर में परशुराम सर्किल से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। आयोजन से जुड़े ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह तिरंगा रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए नेहरू गार्डन पहुंची, जहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तिरंगा रैली में शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन चालक अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर शामिल हुए। इस मौके पर जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। वहीं शहर विधायक संजय शर्मा और रिंकी वर्मा का स्वागत भी किया गया। यह रैली सर्व समाज के द्वारा निकाली गई। श्री परशुराम सर्किल अलवर से विशाल तिरंगा रैली 15 अगस्त 2023 के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जो कि त्रिपोलिया होते हुए चर्च रोड से मन्नी कपड़ और नेहरू गार्डन तक जाएगी। वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जो है, वहाँ पर पुष्प माल्यार्पण कर समापन होगी रैली।
यह रैली हर वर्ष निकाली जाती है और मेरी यहाँ पर सभी देशवासियों से अपील है कि हमारे देश के अंदर जो जवान है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके सम्मान में हर घर तिरंगा पहुंच करके इस तरह के आयोजन जगह जगह की जाने चाहिए। भाजपा मंडल डेहरा शाहपुरा की ओर से भाजपा नेता देशराज खरेरा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डेहरा शाहपुरा से विजय मंदिर तक भाजपा नेता देशराज खरेरा के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि युवाओं में देश के प्रति प्रेम, सम्मान और राष्ट्र भावना जगाने के लिए यह आयोजन हुआ है। आज की जो तिरंगा यात्रा है, ये मंडल देहरा के अंदर यहाँ के मंडल अध्यक्ष बनवारी पटेल और यहाँ के संयोजक रामपाल यादव और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पूरी टीम के साथ में, पूरे गांव के सहयोग से ये बाबा चरणदास से लेके और यहां विजय मंदिर तक पैदल यात्रा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये निकाली जा रही है। इस अवसर के ऊपर भी चरणदास महाराज जी के मंदिर से शुरुआत किया गया और ये पैदल मार्ग यात्रा करके तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक के लिए और हिंदुस्तान के अंदर ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज सभी मंडलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की तरफ से, जिला दक्षिण की तरफ से पांचों मंडलों के अंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। उधर भाजपा मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल गुर्जर ने बताया कि अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, साथ ही घर घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया जा रहा है। ऊपर ये तिरंगा यात्रा आज डेहरा मंडल विधानसभा अलवर ग्रामीण में निकाली जा रही है। आपसी भाईचारे के सौहार्द बनाते हुए इस तिरंगा यात्रा को पूरे राजस्थान में बहुत हर्षोल्लास से निकाला जा रहा है और डेहरा मंडल में भी आज जोश से युवाओं ने और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने श्री देशराज खरेजा के नेतृत्व में इस तिरंगा यात्रा को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में निकाला जा रहा है। शहर के विवेकानंद नगर के सेक्टर 1 में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अलवर इकाई द्वारा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन जिरका फिरोजपुर के समाज सेवी राकेश कुमार जैन एवं वरिष्ठ इतिहासकार हरिशंकर गोयल ने किया। वहीं जिले के पत्रकारों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि एक लंबे समय से अलवर इकाई को ऐसे कार्यालय की आवश्यकता थी। यहाँ पत्रकारों के लिए ठहरने की व्यवस्था जिला कार्यालय में की गई है। उधर उद्घाटन समारोह में मुंबई से आए सिनेमेटोग्राफर राजेंद्र शर्मा, महिपाल सिंह तवर, संजय चौहान, महेंद्र गोयल, गोपाल सिंह सोलंकी, गिरिराज सोलंकी, रामबाबू शर्मा और पूरन सिंह चौहान आदि की मौजूदगी रही। रोटरी क्लब की ओर से रविवार को शहर में जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नंगली सर्किल पर समाप्त हुई। रोटेरियन राजेश सिंगला ने बताया कि रक्तदान सहित मरने के बाद अंगदान की थीम को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे कई व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। को रक्तदान करना चाहिए जीते जी और मरना उपरांत आंखें दान करना चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज हम देना चाहते हैं, दुनिया को अवेयर करना चाहते हैं कि जीते जी रक्तदान तो सबसे बड़ा दान होता है और अगर मरने उपरांत आप अपना नेत्रदान या अगर कोई और अंगदान आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, शायद इससे बड़ा कोई दान जिंदगी में नहीं हो सकता। रोटरी क्लब ने संयुक्त क्लबों के साथ आज एक भागोथोन का आयोजन किया है, जो कि अंगदान महादान के रूप में ये हमारा आज के दिन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, इस पे हम सब रोटेरियन आंखें दान करने का आज संकल्प लेंगे। उसी के तहत हमने सभी जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए आज रैली का आयोजन किया है। अलवर के कंपनी बाग में 27 अगस्त को कुम्हार प्रजापति महाकुंभ का आयोजन होगा। रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान महाकुंभ के संयोजक राजीव प्रजापत और सह संयोजक रामनिवास प्रजापत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक इस जाति को कभी वरीयता नहीं दी गई, ऐसे में अब इस महाकुंभ के जरिए कुम्हार प्रजापति समाज अपनी ताकत दिखाएंगे। अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हुए समाज अपनी मांगों को उस मंच के माध्यम से रखेगा। वर्तमान समय की हालात को देखकर, समाज की पीड़ाओं को देखकर और समाज की परिस्थितियों को देखकर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने या समाज के जिम्मेदार लोगों ने
11 जून की मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन को तय किया है और इस महाकुंभ के माध्यम से 27 अगस्त कंपनी बाग के अंदर समाज अपनी ताकत के बलबूते पर अपने आने वाले भविष्य को तय करने जा रहा है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से हम लोग आज समाज की उन सब चीज़ों के बारे में आपके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं जिनको लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे वर्तमान में 3 विधानसभाओं से हमारी समाज के प्रत्याशी तैयार हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव की जो चर्चा है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति जो समाज की है, जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, लेकिन संख्या बल के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर जिस तरीके से राजनीतिक दल समाज की अनदेखी करते हैं, ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए भी एक आईने के रूप में होगा। जिस तरीके से हमारी संख्या बल है, संख्या बल और वोट बैंक के आधार पर हमें सत्ता और संगठन के अंदर भागीदारी जो पार्टी हमें महत्व देगी, आने वाले चुनाव में समाज उस संगठन के साथ में जाएगा। महाकुंभ जो है वो, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी हमको क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, लेकिन इस अमृत महोत्सव के अंदर भी आज भी जो कुमार है, प्रजापति है, उसकी जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है। जिस विकास के अंदर और इस विकास की धारा के अंदर जिस तरीके से हमारे को जुड़ना चाहिए था, हमारा विकास होना चाहिए था, वो विकास आज भी नहीं हुआ है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जब हमने निकले गए तो हमको एक बात सुनने को मिली, वो मिली कि राजनीति में मुंडियां गिनवाना बहुत आवश्यकता है, अपनी संख्या गिनवाना आवश्यकता है। हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका विश्लेषण तो बाद में होगा, लेकिन 27 अगस्त को इस अलवर के अंदर, कंपनी बाग के अंदर पूरा प्रजापत समाज, पूरा कुमार समाज अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी मुंडियां दिखाएगा, अपनी संख्या दिखाएगा। जो संख्या गांव के अंदर है, जो संख्या ढाणी के अंदर है, जो संख्या शहर के अंदर है, और जितनी संख्या होने के बाद भी जिस तरीके से हमारी अनदेखी हुई हो रही है, चाहे पार्टी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि हम भी मुख्य धारा के अंदर आए, हमारा भी विकास हो, हमारे भी बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिले, हमारी भी बच्चियों को जो मिलती है, हमारी बच्चियों को भी स्कूटी मिले, हमारे भी बच्चों को छात्रवृत्ति के अंदर जो अलग अलग विषय के पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान हुए। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान में देखते हुए हमने कई बार ज्ञापन दिए, कई सरकारों को दिए, लेकिन अंत में जाके, फिर मैं एक बार पुनः कहूँगा, अंत में जाके जवाब हमको यही मिला कि राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी चाहिए तो आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, मुंडियाँ गिनवानी पड़ेगी। मैं पुनः एक बार अलवर के सभी बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया इस कुंभ के लिए, और युवा जोश ने जिस तरीके से जोश दिखाया और जिस तरीके से आज स्वतः ही लोग इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो वो उत्साह जो दिखता बन रहा है वो हमको मालूम है कि कम से कम 25,000 से 30,000 लोग इस अलवर बाग, कंपनी बाग के अंदर उपस्थित रहेंगे। श्री श्याम परिवार सेवा समिति एवं जैन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। पालीवाल जैन महासभा की अलवर इकाई में यह कैंप लगाया गया। अध्यक्ष रूपेश जैन ने बताया कि इस दौरान 10 संस्थाओं का सहयोग रहा, साथ ही 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में आने वाले सभी रक्तवीरों को पौधे और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हम वैसे अलग अलग संस्थाओं से हर साल, हम हर 6 महीने में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य यही है मानव सेवा के लिए रक्तदान इकट्ठे। हम जैसे अलग अलग संस्थाओं से मिलके, जैन स्पोर्ट्स क्लब, कभी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, श्याम परिवार सेवा समिति आदि इत्यादि संस्थाओं से मिलके हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जो हर साल हम 6 महीने में एक बार ये आयोजन करते हैं। अपना घर शालीमार स्थित भक्तिधाम मंदिर में श्रावण और अधिक मास में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु राम यादव ने बताया कि यहां शनिवार रात्रि अंकित अग्रवाल की तरफ से सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ था। रविवार को सुबह 10 बजे से भंडारा हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिर में रंग बिरंगे फूलों और लाइट से भव्य दरबार सजाया गया। ये श्रावण मास के अधिक मास में जो ये भंडारे का आयोजन किया गया है, ये समस्त शालीमार वासियों के द्वारा किया गया है, और शाम को हमारे 12 तारीख को, शनिवार को, सुंदरकांड का पाठ हुआ था, और अभी ये भंडारे की व्यवस्था चालू है हमारे यहाँ पे। 10 से शाम को 4-5 बजे तक भंडारे की व्यवस्था रहेगी और पूरी व्यवस्था अपने यहाँ पे व्यवस्थित की गई है। कितनी बार हो रहा है ये? प्रथम
बार हमने यहाँ पे शुरू किया है विशाल भंडारा शालीमार में, जिसमें पूरा शालीमार जी प्लस टू एक्सटेंशन सारा ओल्ड शालीमार और 14 बीघा राम मंदिर तक का हमने पूरा कंप्लीट वहाँ तक निमंत्रण दिया है। हमने इस भंडारे में समस्त शालीमार एक्सटेंशन हो, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, राम मंदिर, 14 बीघा, 12 बीघा, ओल्ड शालीमार, सभी को हमने यहाँ आमंत्रित किया है और सभी के सौजन्य से सहयोग से ये भंडारा हमारा शुरू हुआ है। और वहीं अधिक मास पुरुषोत्तम मास में शिवरात्रि सोमवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस दिन सावन का छठा सोमवार है, साथ ही शिवरात्रि होने के कारण शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं मंगलवार को अमावस्या मनाई जाएगी। पुरुषोत्तम मास में मनाई जाने वाली मास शिवरात्रि कल 14 अगस्त को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी और कल ही सावन मास का छठा सोमवार है। कल छठे सोमवार के अवसर पर शिवालयों में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। कल 14 अगस्त को दोपहर 11:07 से 15 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान शंकर की पूजा अनुष्ठान रुद्राभिषेक व्रत करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। काफी वर्षों बाद ऐसा विशेष शुभ संयोग बन रहा है कि अधिक मास की मास शिवरात्रि पर ही भगवान शंकर के निमित्त छठे सोमवार का व्रत और पूजन किया जाएगा। शास्त्रोक्त अधिक मास में 15 अगस्त मंगलवार को पितृ कार्य अमावस्या मने जाकर के पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण आदि करके पितरों को प्रसन्न किया जाएगा। शास्त्रोक्त यह भी माना गया है कि पितृ प्रसन्न होकर के पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 16 अगस्त बुधवार को देव अमावस्या मनाई जाएगी और देव अमावस्या के दिन अर्थात 16 अगस्त बुधवार को ही श्रावण मास अर्थात अधिक, जिसे कि पुरुषोत्तम मास या लौंद का महीना भी कहते हैं, 16 अगस्त को अधिक मास का समापन हो जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालीराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटीघाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
अकबरपुर के कुशालपुरा गांव में शनिवार रात चोरों ने एक अध्यापक के घर को निशाना बनाया। उन्होंने लाखों के नकदी जेवर पार कर लिए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार कुशालपुरा गांव के निवासी भजनलाल गुर्जर के घर में रात्रि को चोर पीछे की खिड़की तोड़कर भीतर घुसे। इसके बाद 1,05,000 की नकदी सहित जेवर चुरा कर फरार हो गए। हम तो रात को यहाँ सो रहे थे, 11 बजे तक तो जग रहे थे, उसके बाद नींद आ गई और सुबह खड़ा हुआ जब पता लगा पीछे से जंगला टूटा पड़ा था, उसमें से सामान निकल गया, चांदी का 1 किलो कड़ा है, आधी किलो की पायजा है, आधी किलो कनकती, 1 सोना की मोर ही और 2 चांदी का सिक्का बेटा उसका गई मिला, 2 सोना का और 1,05,000 का पैसा। 1,05,000। अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर के समीप एक दूध वाले की बाइक कार की खिड़की से टकरा गई। इससे 1 क्विंटल दूध बिखर गया और बाइक चालक के हाथ में चोट भी आ गई। ग्रामीण राम सिंह दूध बेचने खुशालगढ़ से अलवर आ रहा था। इसी दौरान अकबरपुर के समीप एक कार चालक ने वाहन की खिड़की अचानक खोल दी। इसके चलते दूध सड़क पर बिखर गया और वाहनों की कतार लगने से जाम जैसे हालात हो गए। पुलिस ने व्यवस्था बनाकर यातायात को सुचारू करवाया। एकदम से फाटी खोल दी, मैं मेरी साइड से चल रहा हूँ। फाटी के मतलब किधर से आ रहे थे आप? कुशालगढ़ में से। तो कितना दूध है आपका? जो दूध है भाई साहब 1 क्विंटल। 1 क्विंटल? हाँ, अलवर ले जा रहे थे। हाँ, अलवर सप्लाई। तो गाड़ी कहाँ से कौन की थी? गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एकदम से फाटी खोल दिया। अच्छा, एकदम फाटा खोल दिया आप? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। रविवार को ऋतु एनजीओ और हितेश रावत ने यह कैंप आयोजित किया। अध्यक्ष राजकुमार सोनी ने बताया कि शिविर में 275 मरीज लाभान्वित हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव रहे। वहीं डॉक्टर एन कौशिक, डेंटिस्ट जयश्री मेठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ ललित शर्मा और ENT विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। 13 अगस्त रविवार को गांव भोजा में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि ऋतु NGO व हितेश रावत के तत्वाधान में लगाया गया है। इसमें हमने 275 मरीज इस कैंप से लाभान्वित हुए हैं और इसमें डॉक्टर जयश्री मेठी जो डेंटिल है, ललित शर्मा नेत्र रोग विशेषज्ञ, ENT स्पेशलिस्ट गुप्ता ENT से महेश गुप्ता जी थे और फिजिशियन में डॉक्टर एन कौशिक जी थे यहाँ। और इस उपलक्ष्य पे मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व ग्रामीण विधायक जयराम जाटव जी ने आके सभी कार्यकर्ताओं का, हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ाया और अपने सुविचारों से हमें संबोधित किया। ये जो शिविर है किस उपलक्ष्य में लगाया था? ये सिर्फ नर सेवा नारायण सेवा के जो एक हमारा सबका सोचते हैं नर सेवा नारायण सेवा और बढ़ते हुए आई फ्लू के खतरे को देखते हुए ये शिविर का आयोजन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जुली मालाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में दौरे पर पहुंचे। इस दौरान श्याम गंगा सड़क का शिलान्यास किया गया। साथ ही बरखेड़ा जमालपुर स्टैंड पर कैबिनेट मंत्री जुली को ग्राम पंचायत जमालपुर की ओर से विकास कार्य करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि भारत चौधरी ने जमालपुर में विकास कार्य की राशि स्वीकृत करने की मांग रखी। इसके अलावा कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन पर जोर दिया। मंत्री जुली ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मालाखेड़ा में हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए इनका वितरण किया जाएगा। भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने इसकी शुरुआत डेहरा मंडल की ग्राम पंचायत तुलेड़ा से की। तिरंगा वितरण के दौरान नरेंद्र, मनोज कुमार, मुकेश कुमार जाटव, पूरन यादव और अप्पू यादव आदि की मौजूदगी रही। इस मौके पर अपील की गई कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रविवार को तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा और अनेक भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बहादुरपुर चिकानी मंडल में भी मंडल अध्यक्ष सतवीर यादव के नेतृत्व में यह रैली निकली। इस दौरान युवा मोर्चा से जुड़े भाविक जोशी, पंचायत समिति सदस्य अरसाद खान, ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष इब्राहिम खान, बूटा सिंह और पद्मचंद जाटव आदि उपस्थित रहे। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव, एडवोकेट देशराज खरेरा और पूर्व DGP जसवंत संपत राम सहित अन्य भाजपाइयों ने भी विभिन्न स्थानों पर तिरंगा वाहन रैली में भाग लिया। उधर तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अकबरपुर कस्बे में ठाकुर जी के मंदिर पर युवा संगठन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता ललित कुमार पंडित ने की।
इस दौरान पार्टी के नेता अशोक कुमार वर्मा ने तिरंगा यात्रा को लेकर रूट तय किए। अकबरपुर से भर्तृधाम तक 14 अगस्त की सुबह तिरंगा ध्वज बाइक यात्रा निकाली जाएगी। मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा, हर हमारा विचार तिरंगा होना चाहिए। हर हमारा जो भी काम हम करें तो तिरंगा के आधार पर हमारा काम होना चाहिए। तिरंगा यात्रा जो 14 तारीख हम तैयारी कर रहे हैं, 14 तारीख की जो तैयारी हमारे युवा साथियों ने किए है, आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग डीजे के साथ में अकबरपुर से भर्तृधाम की तरफ तिरंगा यात्रा लेके जाएंगे। वो यात्रा आपकी सफल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इस यात्रा में हमें युवा साथियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है कि आज पूरा देश जो जन्मोत्सव आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसका हमारा अकबरपुर का भी आगाज पूरे देश में जाना चाहिए। अकबरपुर पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ की है। इसमें कई जगहों पर दबिश एवं छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार एसपी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। इसके तहत अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहने वाले सक्रिय अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के आदेश, लक्ष्मीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के आदेश की पालना में 2 दिवसीय अभियान एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया था, जिसमें आज कुल 6 व्यक्तियों को 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया, 6 व्यक्तियों को 5 SIPC के तहत, 6 व्यक्तियों के खिलाफ 110 CRPC के तहत कार्रवाई करते हुए 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया जाकर के कार्रवाई की गई। इसके कुल 20 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई। NSUI में सतीश पटेल को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने कई स्थानों पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों द्वारा सतीश पटेल का अभिनंदन किया गया। इसके बाद वे कई स्थानों से होते हुए राजगढ़, मालाखेड़ा और अलवर पहुंचे। अलवर में छात्रों ने वाहनों के काफिले के साथ स्वागत किया। रामगढ़ बस स्टैंड पर पार्षद रिंकू सैनी, अमित भारद्वाज, धीरज शर्मा, राजू खंडेलवाल, संजय खंडेलवाल और चिराग साहू आदि ने 51 गज का साफा बांधकर कस्बा निवासी पटेल का स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे प्रत्येक वर्ग के छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ेंगे। उदय इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीन बंधु शर्मा और जिलाध्यक्ष कृष्ण यादव, NSUI प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार, अलवर डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में भाजपा नेता संदीप दायमा के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। इसका जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। इस तिरंगा यात्रा का तिजारा के रामलीला ग्राउंड में समापन होगा। वहीं तिरंगा रैली टपुकड़ा भी जाएगी। इस अवसर पर अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, बनय सिंह भिदुड़ी, दिनेश बेदी, चित्रा शर्मा, रामवीर शाहबादी और एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी आदि मौजूद रहे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब मेरे युवा साथी और सभी जिलाध्यक्ष जी, संजय शर्मा जी, मंजीत भाई, सब लोग आ रहे हैं और पूरे तिजारा के युवा में जोश है और बहुत ऐतिहासिक ये तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। ये भिवाड़ी से होती हुई टपुकड़ा और तिजारा रामलीला मैदान में जाके इसका समापन होगा और बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। आज़ादी के 5 वर्षों पर तो लोग वैसे ही जोश में रहते हैं और ये रैली का जैसे ही लोगों को पता चला उससे और भी ज़्यादा जोश आ गया लोगों में और बहुत ही युवाओं में बहुत जोश है और बहुत शांति प्रिय और बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है। खैरथल में पहली बार मनाए जा रहे जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के तहत शनिवार की शाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रिहर्सल हुई। यहां पुलिस द्वारा परेड की रिहर्सल की गई। DSP सुरेश कुंडी की मौजूदगी में इस दौरान 90 जवान और 9 सदस्यों वाला पुलिस बैंड शामिल हुआ। इसके अलावा रविवार की सुबह स्कूल के बच्चों ने PT का अभ्यास किया।
भारतीय सिंधु सभा खैतल की बैठक यहाँ स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता गिरधारी लाल ज्ञानानी ने की। सिंधु सभा सदस्य ताराचंद आसवानी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नथुमल रामनानी और सचिव पद पर विजय बच्चानी सर्वसम्मति से चुने गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कई क्षेत्रों में दौरा किया। वे बक्तल की चौकी, देसूला, दिवाकरी और मन्नाका क्षेत्र में पहुंचे। यहां लोगों ने उन्हें सड़क और पानी की समस्या से अवगत करवाया। इसके बाद जिला अध्यक्ष मिश्रा ने जलदाय विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को समस्या को हल करवाने के निर्देश दिए हैं। जाटव महासभा की जिला शाखा ने खुदनपुरी स्थित कार्यालय में रविवार को बैठक की। इस दौरान निर्णय हुआ कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे शहीद स्मारक पर दीपदान किया जाए। वहीं 15 अगस्त को सुबह 9 बजे श्री गणेश डाइंग एंड टेंट हाउस कार्यालय पर ध्वजारोहण होगा। साथ ही समिति द्वारा प्रस्तावित सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन एवं कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में कुंदनलाल, नंदकिशोर जाटव, अनिल कुमार, प्यारेलाल, गुमान सिंह और धर्मपाल जाटव आदि की उपस्थिति रही। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 17 अगस्त को सुबह 8 से 12 बजे तक नेहरू गार्डन के गेट पर शिविर लगाएगा। गौरतलब है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और विभिन्न चिटफंड कंपनियों में जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा। इसी दिशा में कई वर्षों से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रयासरत है। शिविर में राष्ट्रीय पदाधिकारी मदन लाल आजाद के नेतृत्व में फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ आदर्श क्रेडिट कंपनी, PCCL, कल्पतरु, सहारा इंडिया, पिनकिन ग्रुप, विश्वमित्र, नवजीवन, संजीवनी क्रेडिट, भविष्य क्रेडिट और KBCL इंडिया आदि कंपनियों के निवेशक पहुंचेंगे। उन्हें जमा राशि के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लाने की सलाह दी गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पतालों में भारी गंदगी से संक्रमण का बना खतरा। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते हुए बदतर हालात। वैकल्पिक इंतजाम का बना अभाव। अलवर में नगर निगम बनने के बाद बजट होगा 4 गुना। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया ऐलान। 25 ऑटो टिपर के लोकार्पण सहित 37 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने से भड़के छात्र नेता। वहीं ज्ञानदेव आहूजा ने कहा NSUI की हार के डर से सरकार ने उठाया कदम। और पुलिस की 78 टीमों ने छापेमारी कर 342 वांछित अपराधी पकड़े। हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर्स सहित भगोड़े अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का। मैं मेरे सभी बांसुरवासी, अलवरवासी और देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, एक मान और सम्मान का दिन है। मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को दीपावली की तरह से हर घर, हर दुकान, हर जगह पर दीपक जलाएं। और दीपक इसलिए जलाएं, मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, जो एक माँ का लाल, बहन का भाई, किसी औरत का सुहाग वहाँ शहीद हो रहा है, वो आपके और हमारे ही परिवार के हैं, हमारे देश का लाल है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने घरों में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके उनकी आत्माओं को रोशन करने का काम करें। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन अधिक से अधिक दीपक अपने अपने घरों में जलाएं।